For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. हमारे भाईजान सलमान खान और कैटरीना कैफ फिर से एक फिल्म में वापस आ रहे हैं जिसका नाम है टाइगर जिंदा है। पोस्टर जो निकला है अमेजिंग है, इंट्रीगिंग है, इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस फिल्म से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स एंड ट्रिविया जो मैंने आपके लिए ढूंढी है स्पेशली। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। ट्रिविया के पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फिल्म है ये यशराज प्रोडक्शन हाउस से सीधा आती है। इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं अली अब्बास जाफर जिन्होंने सुल्तान बनाई थी। सलमान खान और कैटरीना कैफ इसमें फिर से एक साथ दिखाई देंगे। 2012 में हमने उन्हें देखा था जोया और टाइगर के रूप में और 2017 में हम फिर से मिस्टर एंड मिसेज टाइगर के रूप में देखेंगे, मतलब दोनों की शादी हो चुकी होगी। एक था टाइगर शूट हुई थी 5 डिफरेंट कंट्रीज में, वहीं टाइगर जिंदा है शूट हुई है 4 डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। ये है इंडिया, मोरक्को, ऑस्ट्रिया और हाँ यूएई की कैपिटल अबू धाबी में। जब तक पद्मावती का बजट बढ़ा नहीं था टाइगर जिंदा है बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म थी, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और ये बहुत ही ग्रैंड फिल्म थी यशराज की। इस फिल्म का जो बजट है वो है 170 करोड़ से लेकर 180 करोड़ तक का। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया है इस ग्रैंड मूवी को बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं एक अंदर की बात कि सलमान खान ने लगभग लगभग इस फिल्म के लिए 120 करोड़ चार्ज किए हैं और वो बन बैठे हैं बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड एक्टर। वाओ भाईजान सल्यूट। एक फिल्म के साथ हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा होता है। ये फिल्म यानी कि टाइगर जिंदा है के साथ ना कि इंडिया के बल्कि इंटरनेशनल लोग जो हॉलीवुड के लोग हैं उनका भी रोजगार जुड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ टॉम स्ट्रचर्स की जिन्होंने एक्समैन ओरिजिन में एक्शन सीन को कोरियोग्राफी दी, जिन्होंने डार्क नाइट, इंसेप्शन, बैटमैन बिगिंस में अमेजिंग कोरियोग्राफी करी है एक्शन सीन्स की। इस फिल्म में भी आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि उन्होंने इस फिल्म में भी अमेजिंग कोरियोग्राफी करी है। आप इस फिल्म में जितनी भी शानदार कोरियोग्राफी देखेंगे एक्शन सीन्स की वो उन्होंने ही करी है। ज्यादातर बॉलीवुड की फिल्मों में हम कम ही देखते हैं कि कोई इंसान जानवर से लड़ रहा होता है। लास्ट में हमने फिल्म देखी थी बाहुबली द कंक्लूजन जिसमें बाहुबली हाथी से लड़ रहा था। वहीं 2017 के एंडिंग में जो फिल्म आ रही है टाइगर जिंदा है इसमें सलमान खान का कैरेक्टर यानी कि टाइगर लड़ेगा वुल्फ से यानी कि भेड़ियों से। और ये जो पूरी एक्शन सीन की कोरियोग्राफी करी है ये टॉम स्ट्रचर जी ने करी है और ये जो प्रॉपर शूट हुआ है ये ऑस्ट्रिया के बर्फीले पहाड़ में शूट हुआ है। फिल्म के शूटिंग स्केड्यूल की बात करूं तो अबू धाबी यानी कि यूएई में सबसे ज़्यादा लंबा शूटिंग स्केड्यूल चला, लगभग 65 डेज का। और ये बॉलीवुड की हिस्ट्री में ऐसी पहली फिल्म है जो कि अबू धाबी कैपिटल में 65 डेज, इतने लॉन्ग डेज में शूट हुई है। स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन करके एक फिल्म आई थी, उन्होंने जो ग्रैंड सेट डिज़ाइन किया था, जो अमेजिंग सेट आपने देखा था उस फिल्म में, उसी क्रू ने इस फिल्म यानी कि टाइगर जिंदा है में अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया है। 20,000 किलोमीटर का पूरा एरिया को साफ किया गया और वहाँ पर टाइगर जिंदा है का सेट लगाया गया और इसे कहते हैं प्रॉपर बॉलीवुड प्लस हॉलीवुड कोलैबोरेशन। टाइगर जिंदा है के लुक को रियल और ऑथेंटिक रखने के लिए डायरेक्टर अली अब्बास जाफर ने फिल्म में रियल मिलिट्री इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया है, रियल चॉपर्स इस्तेमाल हुए हैं। अगर आप फिल्म में भाईजान को देखेंगे हेलीकॉप्टर में चॉपर में चढ़ते हुए गड़गड़ 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 करते हुए आते हुए देखेंगे तो वो सब रियल है और इस चीज़ में मदद करी है उनकी यूए मिलिट्री ने, उन्होंने ही पूरे चॉपर्स इक्विपमेंट्स उन्हें प्रोवाइड किए हैं। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, फिल्म में गाना है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत जिसकी शूटिंग ग्रीस में हुई है। मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टर अली अब्बास जाफर ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ये जो सॉन्ग है स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, इस सॉन्ग में दर्शाया जाएगा ब्रदरहुड को, पीस को, ह्यूमैनिटी को। और एक अंदर की बात आपको बताता हूँ, इस सॉन्ग में 100 से ज़्यादा बैली डांसर्स का इस्तेमाल किया है, 100 से ज़्यादा हिप हॉप डांसर्स का इस्तेमाल किया है। कितना अमेजिंग होगा ना इतने सारे लोगों को सलमान खान के साथ स्क्रीन पे शेयर करते हुए देखने में, वाओ मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हैं कि नहीं ये बताइए फिल्म के लिए। और ये जो ट्रिविया मैंने आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, ये जो फैक्ट्स आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, ये कैसे लगे आपको ये भी मुझे बताइए। सिंपल सी बात है, चैनल आपका अपना चैनल है बॉलीवुड स्पाई।